आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो मोदी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। चूंकि चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है और संख्याबल की दृष्टि से सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई जब मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी चाहती है कि सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान वो पार्टी की ओर से मुख्य वक्ता की भूमिका निभाए। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि राहुल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत भी कर सकते हैं। यूपी विधानमंडल सत्र का आज दूसरा दिन है, वही आज भी भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और महंगाई के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सभा की ओर से यूपी प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अध्यादेश 2023 और यूपी नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2023 का भी विरोध किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सपा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 पर भी सवाल खड़े कर सकती है। तो देखिए, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और 11 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होगी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिलेगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। खबर औरैया से है, जहां राजस्थान के एक वाशिंदे के साथ हींग बेचने वाले शादी ठग ने 12 किलो सोने के सिक्के 13 लाख रुपए में दिलवाने के नाम पर ठगी की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शादी ठग को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत 29 जुलाई को पीड़ित नरेंद्र चौहान निवासी गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जनपद माधवपुर राजस्थान के द्वारा दिबियापुर थाना पर लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके बाद इस मामले में एक्शन लिया गया है। हींग का व्यापार करता है, फेरी लगाता है इनके घर के पास, उससे उनका संपर्क हुआ। इन्होंने बताया कि औरैया में एक पंडित जी के आसपास गढ़ा हुआ सोना मिला है। उन्होंने बताया कि ये सोना 12 किलो सोना 13 लाख रुपए में देने की बात बताई, जिसपे 29 तारीख को ये सोना लेने के लिए पैसे लेकर आए। और पंडित जी और ये व्यक्ति जिसने अपना नाम गोपाल बताया था, ये लोग वादी से मिले और वादी को बताया कि मैं अभी सोना लेकर आता हूँ, और ये लोग कुछ बहाने से। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को शाइस्ता की तलाश लगातार जारी है, लेकिन वो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देती हुई नजर आए। वही पुलिस ने 82 की कार्रवाई के बाद शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने की तैयारी भी की है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है और घटना के बाद से वो फरार है। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। इसी कड़ी में आज कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 82 के तहत डुगडुगी पीट कर मुनादी कराई है। बता दें कि जिस घर पर मुनादी कराई गई है, शाइस्ता उसी घर में रहती थी और उमेश की हत्या के बाद सभी शूटर ने इसी घर पर पनाह भी ली थी। पीडीए ने घटना के बाद इस घर पर बुलडोजर चलाकर उसको जमींदोज भी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकसभा सचिवालय में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर संबल शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। इस दौरान शहर में मिठाई बांटते हुए जश्न मनाया गया। वहीं शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद के नेतृत्व में मुशीर तरीन खान के कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर मिठाई वितरण कार्यक्रम किया और राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की खुशी में जश्न भी मनाए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुना दी थी और उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दी, मतलब उस पर स्टे कर दिया गया।
जो हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जिसके तहत लोकसभा सचिवालय ने आज अधिसूचना जारी करके आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। और ये कांग्रेस के लिए, पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है और ये अपने आप में सच्चाई की जीत है। और संविधान जो हमारे देश का है, संविधान बचाओ जो हमारा संकल्प चल रहा था, संविधान की जीत हुई है। और जो लोग नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रहे थे, नफ़रत की के बाज़ार को गर्म कर रहे थे, मोहब्बत की दुकान कायम हुई है, इसका जश्न है। और जनपद संबल में मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण का आगाज हो गया है। जहां डीएम ने नगर पालिका में फीता काट कर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, वहीं स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और जादूगर ने शो दिखाकर जागरूकता का संदेश भी दिया है। इसके अलावा डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, बच्चों ने नारे लगाकर अभिभावकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया है। देखिए, मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण की शुरुआत संबल में हुई है, जहां बच्चों को जागरूक किया गया है। साथ ही डीएम ने फीता काट कर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान तमाम स्कूलों के बच्चे भी नजर आए और स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम के पहले चरण में रैली भी निकाली है। वाराणसी में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का पांचवा दिन आज। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का पांचवा दिन आज है। मुस्लिम पक्ष से मिल रहा पूरा सहयोग, हिंदू पक्ष ने बताया कि मुस्लिम पक्ष पूरा सहयोग कर रहा है। सर्वे की टीम के साथ सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हो चुका है, तो पांचवें दिन भी सर्वे का काम सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है। कल 4 से 5 टीमों में बटकर एएसआई ने किया था सर्वे का काम। तो ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन भी जो एएसआई सर्वे है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। इस दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष से लगातार एएसआई की टीम को पूरे तरीके से समर्थन दिया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से एक बार फिर आज सर्वे का काम शुरू किया गया है। देखिए, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आज पांचवा दिन है। लगातार एएसआई सर्वे का जो काम है वो जारी है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई, जिसके बाद एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। और सर्वे के पहले दिन मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था, लेकिन दूसरे दिन से ही लगातार मुस्लिम पक्ष सर्वे में सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष भी लगातार यही कहता हुआ दिखाई दिया कि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे की टीम को अपना पूरा सहयोग दे रहा है। और आज एएसआई सर्वे का पांचवा दिन है, सुबह 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। आजमगढ़ चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल का मामला, आजमगढ़ चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल के मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके चलते आज यूपी में प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। यूपी में सभी प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि शासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि आज यूपी के सभी 75 जिलों में प्राइवेट स्कूलों पर ताला लगा हुआ नजर आएगा, स्कूल एसोसिएशन ने ऐलान किया है। बिना जांच के ही प्रिंसिपल शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि आज सभी प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश के बंद रहेंगे। आजमगढ़ चिल्ड्रंस स्कूल से जुड़ा ये मामला है, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि आज यूपी के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। भारतीय युवा कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा केंद्र के खिलाफ। भारत बचाओ संसद घेराव करती हुई आज जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी पर भारत बचाओ संसद घेराव करते हुए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ देखने को मिलेगा। भारतीय युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन है जो केंद्र सरकार के खिलाफ देखने को मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।